लाइव इंडिया न्यूज, मैं हूं सोनम कोटानी। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में आयकर विभाग की टीम ने इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबार पर छापामार कार्यवाही की है। आपको बता दें कि इस छापामार कार्यवाही में तकरीबन करोड़ों रुपए की आयकर चोरी सामने आने की संभावना है। फिलहाल टीम के द्वारा कार्यवाही जारी है। आयकर विभाग की टीम ने गुरुवार रात एमजी रोड स्थित बोलिया टावर में स्थित इलेक्ट्रिक्स शोरूम पर छापा मारा। टीम को यहां बड़ी अनियमितता की शिकायत मिली थी, जिसके बाद टीम यहां पहुंची और जांच पड़ताल कर दस्तावेजों को खंगाल रही है। गुरुवार रात से शुरू हुई कार्यवाही देर रात तक जारी रही, जिसमें करोड़ों के कर चोरी और अनियमित आय का मामला पकड़े जाने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 62वें जन्मदिन पर वैदिक यज्ञ संपन्न हुआ। आपको बता दें कि यह संपूर्ण यज्ञ पूर्व विधायक और भाजपा नेता सुदर्शन गुप्ता के नेतृत्व में किया गया। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जन नेता शिवराज सिंह चौहान के 62वें जन्मदिन के अवसर पर इंदौर की विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में आर्य समाज मंदिर मल्हारगंज पर पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता के नेतृत्व में वैदिक यज्ञ संपन्न हुआ। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के कार्यकर्ताओं ने शिवराज सिंह चौहान की दीर्घायु होने और उत्तम स्वास्थ्य की कामना के साथ मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए यज्ञ कुंड में आहुतियां डाली। आचार्य चंद्रमणि याग्निक जी ने वैदिक पद्धति से यज्ञ संपन्न करवाया। यज्ञ में जड़ी बूटियां, धूप, कपूर आदि से मंत्रोच्चार के साथ हवन कुंड में आहुतियां डालकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के शतायु होने की कामना की। हमारे प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान का आज 62वां जन्म दिवस है, और वो दीर्घायु हों, शतायु हों, स्वस्थ रहें और इसी प्रकार प्रदेश की जनता की सेवा करते रहें। वास्तव में प्रदेश को पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो गरीबों का मसीहा है, महिलाओं की जो चिंता कर रहा है। जहाँ पर उन्होंने एक तरफ प्रदेश का चहुमुखी विकास किया, वहीं उन्होंने अनेक कल्याणकारी योजनाएँ लागू की जो गरीबों के हित के लिए, सामान्य वर्ग के हितों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, वो उसका सीधा सीधा लाभ मिल रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी इंदौर विधानसभा क्षेत्र मांग 1 की ओर से यहाँ पर हमारे सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमने वैदिक रीति से यज्ञ किया है, और वैदिक रीति से यज्ञ करके पूर्ण आहुति दी है, और ईश्वर से प्रार्थना की है कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान शतायु हों और स्वस्थ रहें और इसी प्रकार प्रदेश की और राष्ट्र की सेवा करते रहें। इंदौर के भवरकुआ थाने के 2 आरक्षकों के द्वारा बस पकड़ने के बाद उसे छोड़ने के संबंध में तकरीबन 20,000 रुपए की रिश्वत ली गई है, जिसके आरोप में लोकायुक्त के द्वारा इन दोनों आरक्षकों पर केस दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि केस दर्ज होने के बाद दोनों आरक्षक फरार हो गए हैं। दरअसल ये पूरा मामला भवरकुआ थाना क्षेत्र का है, जहां पदस्थ आरक्षक राहुल और एक अन्य द्वारा सोमवार को एक बस को जब्त कर थाने लेकर पहुंचे थे, जहां बस के ड्राइवर और कंडक्टर से आरक्षक राहुल और एक अन्य आरक्षक द्वारा बस छोड़ने के एवज में 20,000 रुपए मांगे गए। वहीं बस मालिक के द्वारा पूरी शिकायत लोकायुक्त में की गई, जिस पर लोकायुक्त आरक्षक को रंगे हाथ पकड़ने के लिए भवरकुआ थाने के चक्कर लगाते रहे, लेकिन दोनों आरक्षक शंका होने पर अपना मोबाइल बंद कर वहां से फरार हो गए, जिस पर आज लोकायुक्त द्वारा दोनों आरक्षक राहुल और एक अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया। जब इस बात की पुष्टि हो गई कि 2 आरक्षकों द्वारा थाना भवरकुआ पर रिश्वत राशि की मांग की जा रही है, तो लोकायुक्त में अपराध पंजीबद्ध कर थाना भवरकुआ पर जाकर कार्यवाही संपादित की गई थी, परंतु शंका हो जाने के कारण पहले तो आरोपी आरक्षक राहुल ने आवेदक के फ़ोन नहीं उठाए और उसके बाद उसने अपना फ़ोन बंद कर लिया, जिसके पश्चात ये लगा कि अब इसको कुछ भनक लग गई है, तो ट्रेप नहीं हो पाया था, लेकिन धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और उसकी विवेचना जारी है। सर, कौन कौन आरक्षक है, क्या नाम है उनके? आरक्षक राहुल रघुवंशी है और दूसरे आरक्षक का नाम पता कर रहे हैं।